बिलावल भुट्टो जो हैं वो टेलीफोन लाइन पे थे और एक बहुत बड़े सुपरस्टार को जो इलेक्शन जीते थे नए नए 8 फरवरी का इलेक्शन, उनके साथ टेलीफोन रबते में थे और उन्हें कह रहे थे कि हम पीटीआई को वज़ीर-ए-आज़म भी देते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पीटीआई का, दो गवर्नर भी देते हैं, गवर्नर केपी और गवर्नर पंजाब, दो गवर्नर भी देते हैं, एडवोकेट जनरल भी सारे पंजाब के भी और विफाक में भी जहां जहां पोस्टें इसकी, तो आप सिर्फ ये करें कि तरीके इंसाफ के साथ हमारा इल्हाक करवा दें। और बड़ी नफासत से, बड़ी खूबसूरती से बिलावल बात कर रहे थे। बिलावल जब भी बात करते हैं तो वो बड़े प्यार से बात करते हैं, बड़े एहतराम के साथ बात करते हैं। और जिस फैमिली को वो कॉल कर रहे थे, वो फैमिली चूँकि पाकिस्तानी सियासत में बड़ी गहरी उनकी जड़ें हैं और बड़ी सुपरस्टार फैमिली है पॉलिटिक्स को लेकर, तो वो उस फैमिली को कह रहे थे कि आपने भी अगर गवर्नर बनना हुआ तो हम आपकी हेल्प कर देंगे, आप गवर्नर बन जाइएगा, आपकी फैमिली में से या आपके जिस पे हाथ रखेंगे उसे एडवोकेट जनरल बनवा देंगे वगैरह वगैरह। ये सारी एक ऑफर थी और एक पैकेज था पूरा जो जरदारी साहब, जो बिलावल साहब बेसिकली ऑफर कर रहे थे, लेकिन वो बेल मुंडे चढ़ ना सकी और इमरान खान ना माने। फिर बुशरा बीबी को मिलने बड़े अहम लोग गए, बड़े डीप रूटेड लोग, और वो जब बुशरा बीबी तक पहुंचे और उनसे बात की, बनीगाला में मीटिंग वगैरह की बात हुई तो उसमें भी डिस्कस हुआ और कायल करने की कोशिश की गई कि आप पीपल्स पार्टी के साथ बात करें, क्या मसला है, बात करें, बैठें, आगे बढ़ें, तो इमरान खान ना माने। अब यकुम फरवरी था और मैं इमरान खान साहब के सामने बिल्कुल खड़ा था, बाकी वहाँ सुपरस्टार सारे जर्नलिस्ट खड़े थे, तो बहुत बड़े बड़े नाम है वहाँ, साकिब बशीर साहब हैं, बड़े बड़े नाम, बाकी बहुत सारे के नाम मैं सारे ही आ गए जो भी अडयाला कवर करते हैं और बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट उन्होंने किया है, बड़े अच्छे से कवर किया सारा। तो मैंने उनसे पूछा कि जरदारी साहब एक इंटरव्यू में कह रहे थे, इमरान खान साहब से पूछा कि जरदारी साहब एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि अदम एतमाद के दौरान खान ने हमें कहा था हमें बचा लो, तो जरदारी साहब ने ये टीवी पे एक गालिबन आसमा साहिबा का इंटरव्यू कर रही थी, वो कर रही थी, होस्ट वो थी, तो ये गालिबन उस इंटरव्यू की बात। तो जब मैंने इमरान खान साहब से ये पूछा तो इमरान खान साहब ने कहा कि क़यामत का दिन भी होगा तो मैं जरदारी साहब को नहीं पुकारूंगा। अब ये दो तीन हवाले जरदारी साहब के लिए आ गए। फिर वो याद करें 5 फरवरी जब अदम एतमाद अभी आना था और उसकी 5th of February था उस साल का 22 में, तो जरदारी साहब चल के जो शरीफ खानदान है उनके घर खड़े हैं और वहाँ से शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म फिर लगवाया और पहली पीडीएम ने अपना टेन्योर पूरा किया और अदम एतमाद का गो हेड भी जरदारी साहब लेके आए, इसका गो हेड भी जरदारी साहब को मिला। किसके जरिए मिला, क्या गुफ्तगू हुई, क्या डिस्कशन हुई, वो एक अलहदा पोर्शन है, डिस्कशन ही अलहदा तरफ चले जाएगी कि वो किस हाई प्रोफाइल मीटिंग में जरदारी साहब को किसने क्या गो हेड दिया था, वो ये डिस्कशन है। अब सुहेल वड़ैच साहब का कॉलम मैंने पढ़ा है, तो उस कॉलम में उन्होंने लिखा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने सारे पत्ते जरदारी साहब की गोद में डाल दिए हैं कि आप कुछ कीजिए। इन बातों को करने के दो तरीके हैं, एक तरीका वही है जो सुहेल वड़ैच साहब ने निभाया है बड़ी उम्दगी से, बड़ी आर्टिस्टिकली, के जरदारी साहब की वो गुफ्तगू को गौर से सुन रहे हैं, अब उनको जरदारी साहब की गुफ्तगू बेहतर सुनाई दे रही है और वो उस पर गौर कर रहे हैं। पहले वो शहबाज शरीफ साहब के गुण गाते थे और उनके गिर्द थे, अब वो जरदारी साहब की बात को ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं। एक तो ये तरीका है बात करने का जो एक आर्टिस्ट कर रहे हैं और सहाफत के बहुत बड़े गुरु हैं। दूसरा एक सादा तरीका भी है कि एस्टेब्लिशमेंट अब जरदारी साहब को कह रही है कि हमें यहाँ से बचाएं, हमें कोई समझ नहीं आ रही, आगे बंद गली है, मोईशत नहीं चल पाई, हमसाया ममालिक साथ नहीं है, वो दोस्त ममालिक जिन्होंने हमें फीड करना था वो फीड नहीं कर रहे और फिर कुछ हो नहीं रहा, कुछ चल नहीं रहा, मोईशत का पहिया जैम है, रुक गया है, और मदर ऑफ क्राइसिस का नाम दिया आज आज पाकिस्तान के हालात को जनाब सुहेल वड़ैच साहब ने अपने कॉलम में। तो अब जरदारी साहब के पास क्या ऑप्शन है, अब फर्ज करने लगे हैं कि जरदारी साहब जो हैं वो खुफिया तौर पर फर्ज कर रहे हैं,
खुफिया तौर पर इमरान खान साहब को मिलने अडयाला चले जाते हैं, तो उनमें इतनी करज है कि वो जा भी सकते हैं इस करज को लेकर। तो इमरान खान कितने परसेंट उनकी बात मानेंगे, सुनेंगे या उनके साथ चलेंगे? ऐसा हो नहीं सकता कि जरदारी साहब की उंगली पकड़कर इमरान खान चलना शुरू कर दें और चल पड़े और कहें कि जी आप जैसे कहते हैं महाराज, जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा। ऐसा हो नहीं सकता। तो इमरान खान जरदारी साहब की कितने फीसद बात समझ सकते हैं और कितने फीसद मान सकते हैं? फर्ज कीजिए ये डील या ये जो वे फॉरवर्ड है या ये जो मुस्तकबिल का रास्ता है, इसको लीड जरदारी साहब करते हैं और उनकी झोली में सारा कुछ डाल दिया गया कि आप बचाइए, इसमें से कुछ कीजिए। तो फिर तो इस पटारी में से अदम एतमाद ही निकलेगा, इन हाउस तो वही निकलेगा ना। अब अदम एतमाद की हद तक फर्ज कीजिए खान और जरदारी मुत्तफिक हो जाते हैं और पीपल्स पार्टी और खान मान जाते हैं कि जी अदम एतमाद हम ले आते हैं, तो अदम एतमाद के बाद क्या नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड है? इस बात को लेकर इमरान खान जरदारी साहब की कितनी बातें मानेंगे, जरदारी साहब क्या सोच रहे होंगे स्टेज पे और इमरान क्या बातें उनकी सुन सकते हैं, क्या मान सकते हैं? फर्ज करें जरदारी साहब उन्हें ऑफर करते हैं कि ठीक है जी अदम एतमाद में हम आपके साथ हैं, तो इस बात पे इल्हाक हो जाता है, एक अलायंस बन जाता है जिसमें सारे शामिल हैं और उसमें पीपल्स पार्टी अब शरीक बन गई पीटीआई के साथ और पीटीआई को साथ लेकर चलती है और अदम एतमाद हो जाता है और शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर जाती है और नया प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। और फर्ज किए करें नया प्राइम मिनिस्टर उमर अयूब है, वो आ गया, फर्ज कर लें उमर अयूब साहब प्राइम मिनिस्टर आ गए, अब फिर क्या होगा? अब ले दे क्या होगा? क्या जरदारी साहब इस पोजीशन में हैं कि वो इमरान खान से कुछ डिमांड कर सकें या इमरान खान जो हैं वो इस पोजीशन में हैं कि वो जरदारी साहब की बात जो है उसे रद्द कर सकें? अब इन दोनों बातों का फैसला तारीख ने करना है, इन दोनों बातों का जवाब एक तारीख ही के पास है कि अगर जरदारी साहब ये सारा प्रोसीड कर रहे हैं और लेके चलते हैं और एस्टेब्लिशमेंट उनकी बात गौर से सुन रही है और उनको क्लियर सुनाई दे रहा है, तो फिर ये जो नाव है डगमगाती हुई ये पार लगेगी या उधर ही खड़ी रहेगी या वो होगा कि आने वाले किसी तूफान का रोना रोकर ना खुदा ने मुझे साहिल पे डुबोना चाहा या वो हो जाएगा। तो इस सारी सूरत हाल में बड़ी क्लैरिटी के साथ जो पीटीआई का सपोर्टर बैठा है जहां भी बैठा है वो तो बड़ी क्लियर लाइन और पोजीशन के साथ बैठा है, वो कहता है कि कोई डील नहीं है किसी भी तरह की, ना कोई मूव फॉरवर्ड है और ना हम कोई मान रहे हैं और ना हम एक इंच भी अपने लीडर को पीछे हटने देंगे। ये उनके जज्बात हैं अपने लीडर के साथ। इसी तरह के जज्बात नवाज शरीफ के साथ भी उनके सारे उन लोगों के थे जो नवाज शरीफ साहब के साथ अटैच थे और उनके साथ जिनका जीना मरना था, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने पोजीशनिंग बदली, नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने बहुत कुछ बदला, अब ये स्टेज है कि वो हालात ही कुछ और है और शायद अब उन्हें लाले पड़े हैं कि अब हुकूमत कैसे सरवाइव करवानी है। शहबाज शरीफ साहब ऊपर जो हैं वो अगर आंखों का तारा थे तो अब वो नहीं है, अब वो डिलीवर भी नहीं कर पाए और नैरेटिव भी सेट नहीं कर पाए और जो सख्त बातें ताकतवर हलकों को लोग कहते थे उसका भी काउंटर नहीं कर पाए गवर्नमेंट होते हुए। तो इस सारे मामले में फिर अब मूव फॉरवर्ड क्या है, नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, जरदारी इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं या इमरान खान सिस्टम को चोक रखेंगे, उसी तरह ही चोक रहेगा, अदम एतमाद की हद तक मानेंगे, बाद में असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। फर्ज करें जरदारी साहब और नून की तहरीक इंसाफ की डील होती है, फर्ज करें कि जी हम फॉर्म 45 की हुकूमत करेंगे और लेके चलेंगे और हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाते, हम री इलेक्शन की तरफ नहीं जाते, तो इसका ये तो इमरान खान किसी सूरत नहीं मानेंगे, वो तो असेंबली डिसॉल्व करने को तरजीह देंगे, वो इस बात पे नहीं मानेंगे। और अब वो अदम एतमाद पे भी उन्हें फोर्स नहीं किया जा सकता, क्या फोर्सफुली उन्हें कहें जी हम अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो आप हमारा साथ दें, वो भी इमरान खान ने लीड करना है तो सबने पीछे चलना है। तो इमरान क्या सोच रहे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो क्या इस पे फाइनल गेम करेंगे या फाइनल पत्ता खेलेंगे और क्या डिस्कस होगा, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड क्या होगा
और फर्ज करें कोई बिजनेसमैन बड़ा, अब तो मलिक रियाज साहब मुल्क में नहीं है, वो होते थे तो बड़ी ब्रिजिंग वगैरह कर लेते थे, मामला को थोड़ा नॉर्मल करते थे। इमरान के भी दोस्त हैं, जरदारी के भी दोस्त हैं, तो कॉमन एक फ्रेंड जब मैसेज लेके जाता है तो उसका ज़रा वजन ज़्यादा होता है। और मलिक साहब तो नवाज शरीफ साहब के पास चले गए थे और कहने गए थे कि पावरफुल लोग कह रहे हैं आप स्टेप डाउन कर जाएँ। तो मलिक साहब बड़े इस मामले में बड़े जहाँ दीदा और बड़े आदमी हैं, लेकिन वो भी आपको पता है मुल्क में नहीं है। तो जरदारी साहब का मैसेज इमरान खान सब तक, जरदारी साहब मौलाना फजलुर रहमान से बात करेंगे, फजलुर रहमान पीटीआई से बात करेगी, पीटीआई खान से बात करेगी, तो ये तो चौथे हाथ जाके बात होनी है। तो वहाँ फिर पता नहीं क्या पहुँचता है, वहाँ जब मैसेज आता है तो वो मैसेज का हुलिया बिगड़ चुका होता है, उसकी साख्त कुछ से कुछ हो चुकी होती है। लेकिन फिर भी जरदारी साहब फजलुर रहमान साहब को साथ मिला लेंगे अदम एतमाद के लिए, वो तो ठीक है, समझ आता है। पीटीआई को मिलाएंगे या अदम एतमाद के अलावा भी कोई ऑप्शन है जो हमें नहीं पता, जो मीडिया को नहीं पता, जो किसी को नहीं पता, जो सरगोशियों में भी नहीं है, और वो कुछ होने जा रहा है, वो भी इन हाउस ही हो। और उसके अलावा क्या फिर ऑप्शन है कि रिप्लेसमेंट भी आ जाए, हालात भी चलते रहे और धक्का लगा रहे इसी तरह। लेकिन बहरहाल इस सारे सिनारियों में आप ये ज़रूर देखिए कि इमरान खान साहब के हाँ में ही सबकी हाँ होगी और उनकी ना में ही सबकी ना होगी। और अगर वो हाँ कर देते हैं और अदम एतमाद चलती है तो उसके बाद असेंबली डिसॉल्व करने से फिर कौन रोकेगा? परवेज़ इलाही की असेंबली डिसॉल्व करने से कोई रोक नहीं सका था। और इस स्टेज पे जब वो इतना बड़ा, इतनी बड़ी लेगेसी कैरी कर रहे हैं पॉलिटिकली, तो शायद वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि उनके अपने लोग उनसे सवाल करने शुरू कर दें और वो मसलियत अंदेशी की तरफ चले जाएँ। शायद मसलियत अंदेशी करने वाले इमरान खान जो हैं वो उसी दिन ही उनका जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो ज़मीन बोस हो जाएगा जिस दिन वो मसलियत अंदेशी की बात करेंगे, क्योंकि उनका सपोर्टर जो उनसे जुड़ा हुआ है वो शायद उन्हें मसलियत अंदेशी की बात ना करने दे। और ऊपर से जरदारी साहब के बारे में मशहूर है कि एक जरदारी सब पे भारी। फातिह शहबाज़ खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।